जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से पार्टी तो बहुत अच्छी है, ये पार्टी मुझे हमेशा याद रहेगी। पार्टी तो आपको याद रहेगी लेकिन थीम भूल जाएंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। ये लीजिए मास्क और इसे अभी पहन लीजिए। ये मास्क आइडिया भी बहुत अच्छा है। हम जाने पहचाने बीच रहेंगे लोगों के, लेकिन पहचान में कोई नहीं आएगा। वीर, इन सारे मास्क की वजह से सिक्योरिटी वालों को पता कैसे चलेगा कि मास्क के पीछे कौन है? डोंट वरी मिस्टर वाले, अब सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। डोंट वरी, इस पूरे वाले हाउस के अंदर मैंने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं। वैसे भी यहाँ पर जो कोई भी आएगा उन्हें दो अलग अलग पोस्ट पर चेक किया जाएगा, कहीं भी कोई चूक हुई और फौरन दबोच लेंगे। और वैसे भी इस हॉल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स वेटर बनकर घूम रहे हैं। जो कंट्रोल रूम में हर वक्त की खबर देते रहेंगे। सो यू डोंट वरी, ओके? थैंक्स, वेरी गुड जॉब। मैंने आपसे कहा था चिंता की कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी के अलावा चार आंखें और बानी मासी पर मौजूद हैं, आपकी और मेरी। सच कहूं तो आई एम वेरी रिलीव्ड कि तुम मेरी तरफ। नहीं मिस्टर वाल्या, रिलीफ तो मैं तब महसूस करूंगा जब हम मीरा को पकड़ लेंगे। अरे जय वीर, तुम लोगों ने अपना मास्क क्यों नहीं पहना? तुम दोनों हमारे पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ रहे हो। अरे भाई पहन लूंगा, पहले सब लोगों को आने तो दो। डैड, मैक्सिमम गेस्ट आ चुके हैं और बाकी के आ जाएंगे, और आपकी कमी थी, आप भी आ गए। डैड, मॉम कहीं नजर नहीं आ रही। अरे विकी, चलो यार, गेस्ट आ चुके हैं, ड्रिंक सर्व हो रही कि नहीं देखना पड़ेगा। मास्क, हाँ मास्क, चलो। मैं बानी को लाता हूँ, आई थिंक शी इज अ लिटिल अपसेट। दोपहर में मैंने काफी ओवर रिएक्ट किया। जी, आप उन्हें ले आइए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है तो वो सेफ है। उन्हें अकेला मत छोड़िए ऊपर, क्योंकि ऊपर ठीक नहीं। या अफलातून। जी साहब। इन्हें 1221 में ले जाओ। जी साहब।
आइए सर। गंगा, तुमने एक ही कमरा लेने के लिए क्यों कहा? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया गंगा। ऋषि, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे वॉलेट के साथ खो गया। जब हमारे पास पैसे इतने कम है तो हम दो कमरे लेके पैसे क्यों वेस्ट करें? सर, ये आपका कमरा है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। आपको मेरा नाम तो याद है ना? अफलातून। सुनो। जी सर। ये नीचे क्या चल रहा है? आज साल का आखिरी दिन है, नए साल के स्वागत में छोटा सा प्रोग्राम है, आप लोग भी जरूर आइए। हम जरूर आएंगे। हम जाएंगे ना? नया साल है, जाना तो चाहिए। मिस्टर वालिया, ध्यान से लग जाता तो। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मिल गई। क्या मिल गई? तुम्हारी आवाज ढूंढ रही थी। पानी, देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे कम से कम तुम मुझसे बात तो करो। पानी, आई एम सॉरी आई ओवर रिएक्टेड, लेकिन देखो अगर तुम्हारी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती तो मेरी हालत खराब हो जाती। अभी मेरा बड़ा ख्याल आ रहा है, कुछ देर पहले आपने मुझे कितना डांटा, घर से निकलने नहीं दे रहे, एक बार भी सोचा मुझ पर क्या बीत रही है? अब देखना, मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखूंगी, आज पूरी पार्टी में भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, फिर आपको पता चलेगा बात मानना क्या होता है। आप मुझसे इतने बोर हो जाएंगे फिर बोलेंगे कि काश पानी मेरा हाथ छोड़ दे। क्यों अजीब सी बातें करती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर वालिया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कोई बात है जो आपको खाई जा रही है, वरना आप मुझ पर बिन मतलब इतना गुस्सा नहीं करेंगे, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं बानी। मिस्टर वालिया, कोई बात है प्लीज मुझे बताइए। एक्चुअली बानी, सुबह से पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, as if something bad is going to happen. इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम कहीं नहीं जाओ, बस मेरे साथ ही रहो। मिस्टर वालिया, हम दोनों एक दूसरे से दूर रह कर भी एकदम करीब हैं, और जब हम एक दूसरे के करीब हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। चले, मैं रेडी होकर आती हूँ। मैं तुम्हारा ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा बानी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। ओह माय गॉड, हाउ बोरिंग, कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा है पार्टी में। आ गई महारानी बानी वालिया। उस दिन तो मेरा सारा प्लान भीड़ की वजह से ब्लॉक हो गया। अब कोई और नई तरकीब सोचनी पड़ेगी मुझे, ताकि इस बानी की मुस्कान इसके चेहरे को हमेशा के लिए छोड़ दे। अरे भाई, पार्टी तो शुरू हो गई। तुम लोगों ने कहा था कि न्यू ईयर पार्टी में एक सरप्राइज आइटम रखा हुआ है। दादी पापा, उसका इंतजाम हो गया है। हाँ, मैंने दादी से कह दिया। What? दादी से? Huh. उनसे बढ़िया आइटम गर्ल पूरे इंडिया में नहीं है। तुम दोनों सुनो, मुझे सरप्राइज दे रहे हो कि शौक? भाई छोड़ बच्चों के कान और सुन ले मेरी जुबान। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज न्यू ईयर पर हमने स्पेशल आइटम रखा है। क्या सिपिक है? We'll be right back.
और ये तो एक छोटा सा आइटम था, असली आइटम रात को पेश किया जाएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी और हम सब मिलकर बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, व्हाट इज दिस यार? कम से कम आज के दिन तो फोन के पीछे भागना छोड़ दो। ये क्या बात हुई? पार्टी में भी एक साइड में जाकर हेलो हेलो कर रहा। विद्या दी, मैं फोन का पीछा तो छोड़ दूं, पर ये फोन मेरा पीछा छोड़ता हूं ना। तो फिर एक काम करो, इस फोन को चार्जिंग पर लगाकर यहीं पे छोड़ दो और तुम चलो मेरे साथ पार्टी एंजॉय करने। चलो विकी प्लीज, बस हो गया, चलो। देखा वीर भैया, विकी के हाथ से फोन को छुड़ा दिया ना। वैसे यू वर राइट, अगर विकी के हाथ में फोन होता तो वो पार्टी जेन्युइनली एंजॉय ही नहीं कर पाता। देखा, मैंने कहा था। थैंक्स विद्या, एनीवेज। विकी को अभी जो फोन आया वो भी ब्लैंक कॉल ही था। मैं देखता हूँ किसका नंबर है। अरे जय कहाँ है यार? ओ आदित्य, नए साल का जश्न माँ के साथ बनाने का लायक। और ये सहेलियाँ तुझसे मिलने के लिए बेकरार हो रही है। नहीं माँ, अरे माँ, वही सब क्या बेट? मिस्टर वालिया, जिस नंबर से ये कॉल आया वो मुझे मिल गया। मैं सिक्योरिटी को ये नंबर लेकर आता हूँ ताकि वो ट्रेस कर सकें कि नंबर और लोकेशन किसकी है। हाँ बन, क्या हुआ? कुछ नहीं, होने वाला है बहुत जल्द। मतलब? मतलब आज न्यू ईयर्स है, यानी कि आज हर कोई पी सकता है, इसीलिए आज आप भी लीजिए। नहीं बानी, इट्स ओके, आई डोंट फील लाइक हैविंग अ ड्रिंक। मिस्टर वालिया, आज न्यू ईयर का बोनस है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे रूल्स आइंदा नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए मेरी तरफ से। नहीं बानी, एक्चुअली आज मैं पूरी तरह होश में रहना चाहता हूँ ताकि मैं ये पार्टी और एंजॉय कर सकूं। आई एम ग्लैड मिस्टर वालिया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आज न्यू ईयर का दिन है, हर कोई पीता है और आप ड्रिंक से परहेज कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखें देखते ही रहें, रुक जाए लम्हे सभी जाते हुए, क्या तुमसे कह दें और क्या ना कहें, तुम ही समझ लो सभी ऐ काश के, बस ये तमन्ना है दिल जो अपना है उसको मिल जाए।
पी लो भाजी पी लो, रात जैसे जैसे बढ़ेगी ठंड वैसे बढ़ेगी, दो पैक लगा लो अच्छा होगा, ठंड में मदद मिलेगी। नहीं नहीं मैं नहीं पीता। ले लो ले लो, अच्छा ठंड है। और म्यूजिक इट्स एक्सीलेंट, पर यू नो मुझे गिटार बहुत पसंद है। गिटार? आपको गिटार पसंद है? गिटार तो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, यू नो बचपन से बजा रहा हूं। ये लाइट को क्या हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। आज हमारी इस पार्टी में एक महान गिटारिस्ट मौजूद है। हाँ, वैसे तो वो काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, लेकिन जब वो गिटार बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गिटार उनके शरीर का हिस्सा है। और आज वो महान गिटारिस्ट आई एम श्योर हमारे लिए कुछ खूबसूरत सा नगमा पेश करना चाहेंगे गिटार के साथ। मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि वो महान गिटारिस्ट है मेरे पति आदित्य। जिज्ञासा आंटी, आज न्यू ईयर का दिन है, आज हर कोई पार्टी के मूड में है, आदि अंकल को भी एंजॉय करने दीजिए। यू नो व्हाट पानी, आदित्य इज माय हस्बैंड एंड दिस इज बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड, स्टे आउट ऑफ इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के न्यू ईयर के दिन हर कोई एंजॉय कर रहा है, तो बस सारी दुनिया भले ही एंजॉय करे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जिंदगी में कोई भी मौका कोई भी पल एंजॉय करो। Ladies and gentlemen, we present the star of tonight, Vicky. इस पार्टी को रॉकिंग बनाना होगा, मुझे कुछ करना होगा, और फिर ये भी तो प्रूव करना है मैं इतना बोरिंग नहीं हूं। कम ऑन गाइस, लेट्स रॉक इट। देर हो गई, वीर को गए अभी तक नंबर तो पता ही नहीं चला क्या? क्या हुआ, नंबर का पता चला? वीर तुम क्या कर रहे हो? चलो
बताओ नंबर का पता चला लोकेशन? वो एक्चुअली जिस नंबर को हम ट्रेस कर रहे थे उसकी लोकेशन। हाँ तो क्या है लोकेशन? यहीं कहीं है। व्हाट? वाल्या हाउस है उसके आसपास।